बच्चों आज हम सीखेंगे कि सम और विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पहले मैं एक नंबर लिखा, ये क्या नंबर है? 3। अब मैंने इसको तो यहाँ लगा दिया 3। ठीक है, अब ये देखने के लिए कि क्या ये सम है या विषम, देखो मेरे पास ये कुछ सर्कल्स है, ठीक है, छोटे छोटे से सर्कल्स। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास क्या नंबर आया है? 3। अब मैं उतने ही सर्कल्स यहाँ इन स्ट्रिप्स के कॉर्नर्स पे लगाना शुरू करूंगी, इनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे। तो ये मैंने लगाया 1, 2 और 3। हमारा नंबर कंप्लीट हो गया ना, 3। लेकिन अब आप ये देखो कि क्या ये 3 नंबर दो दो के पेयर में, यहाँ पे एक पेयर बन गया ना, दो को मिला के क्या बनता है? एक पेयर। तो यहाँ पे तो एक पेयर कंप्लीट हो गया, लेकिन 3 कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक सर्कल और है। तो क्या ये सर्कल का पेयर कंप्लीट हुआ? नहीं ना, यानी कि इस 3 को हम दो दो के पार्ट्स में अलग अलग नहीं रख सकते। जैसे अगर मेरे पास 3 सर्कल्स हैं, तो इन दो का तो एक पेयर बन रहा है, पर ये अभी भी बच गया। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पूरा पूरा दो दो के भाग में अलग अलग नहीं बना सकते, वो कहलाती है विषम संख्याएं। कौन सी? विषम संख्याएं। जैसे हमने अभी देखा 3 क्या है? एक विषम संख्या। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। नंबर क्या है? 6। अब 6 को देखते हैं। अब पहले से मैंने कितने सर्कल्स लगाए हुए थे? 1, 2, 3। अब मैं और लगाती हूँ, ये कितने हो गए? 4। ये 5। और ये 6। हमारा नंबर कंप्लीट हो गया 6। और 6 पूरे पूरे दो दो के पेयर में भी बट गया। क्या कोई सर्कल अलग अकेला रह गया? नहीं। यानी कि 6 एक ऐसा नंबर है, अगर हमारे पास 6 सर्कल्स हैं, तो हम उन्हें पूरा पूरा दो दो के पेयर में बांट पा रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम दो दो के पूरे पूरे पेयर में बांट सकते हैं, वो कैसी होती हैं? सम। तो ये एक आसान तरीका है ये समझने का। ये कितने पेयर बन गए? 4। तो ये सम संख्या हुई या विषम? सम संख्या। ओके, नेक्स्ट। हाँ बेटा, जी हमारा नंबर कंप्लीट हो गया 19, बट विषम। कैसे पता चला? क्योंकि ये पूरा हाँ, तो इसलिए कौन सी संख्या होगी? विषम। तो हमने क्या देखा, जैसे हमारा 8 आया था, तो 8 में दो दो के पूरे पूरे भाग बढ़ गए थे ना, लेकिन अब जब 19 आया तो हमारे पास एक सर्कल क्या रह गया? एक्स्ट्रा बच गया। जैसे 2 है, 2 के 2 बिंदु होंगे तो पूरा एक क्या बन जाएगा? एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा। 4 में 2 जोड़े, 6 में 3 जोड़े, क्योंकि 2 दो का एक पेयर बन जाएगा। ऐसे ही 8 में। तो हमने क्या देखा कि सम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यानी कि इनमें दो दो के अंतर के बाद नंबर रिपीट होते रहते हैं। और एक चीज, अब जैसे अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ गया, मान लो 500 आ गया, तो क्या हम 500 तक ये बना पाएंगे? नहीं। तो हमने क्या देखा कि सम
में 10 के बाद वापस से इकाई अंक पर वही नंबर दोहरा रहे हैं। जैसे 12 आया तो 12 का इकाई अंक क्या है? 2, यानी कि यही वाला 2 रिपीट होता जा रहा है। फिर 14 में 4 आ गया, 16 में 6 आ गया, यानी कि सम संख्या पहचानने के लिए हमें किसी भी नंबर का सिर्फ क्या देखना है? इकाई अंक। अगर इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 या 0 हो, 10 का क्या लेंगे? इकाई अंक, जो कि क्या होता है? 0। तो वो संख्या क्या बन जाएगी? सम संख्या। अब आते हैं विषम संख्या पे, जो हमने यहाँ भी देखा 19 में। 19 में एक नंबर एक्स्ट्रा बच रहा है एक सर्कल, यही होता है। इनको ना हम दो दो के भाग में नहीं बांट पाते। तो क्या नहीं कर पाते हम? दो दो के भाग में नहीं बांट पाते। जैसे 1 है तो 1 का तो एक ही डॉट होएगा। अगर 3 आ गया हमारे पास तो 3 में जो 2 है उनका तो एक पेयर बन जाएगा, लेकिन एक डॉट अभी भी क्या रहेगी? एक्स्ट्रा बच रहेगी, यानी कि 3 को हम पूरा पूरा पेयर नहीं बना पाएंगे। तो 3 क्या हो गया? एक विषम संख्या। 3 के बाद क्या आना चाहिए? 5। फिर 7। 7 के बाद 9। के बाद 11। तो ऐसे पहचान लोगे। अच्छा, अब इनमें क्या पैटर्न दिख रहा है? 11 के बाद 11 से ही देखो, 11 की इकाई अंक क्या है? 1। और 1 से ही शुरू होती है, यानी कि 11 से वापस से इकाई अंक में यही नंबर दोहराने लग जाएंगे। या तो 1 आएगा या 3 आएगा